के लिए मौजूद हैं कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी जी हरियाणा सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ में लग करके उनके तमाम कार्यों में सहयोगी होते हैं और उन्होंने अभी हरियाणा में बागी हुए भाजपा के एक सांसद की जगह पर जब दूसरा प्रत्याशी नया प्रत्याशी उतारा गया तो उसको जिताने में एक बड़ी भूमिका अहम अदा की। आज हम उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे। बेदी साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बेदी साहब, चुनौती थी एक हरियाणा में कि आपने एक राजकुमार सैनी को टिकट दी थी, उन्हें दूसरी पार्टी से ला करके पिछले छह सालों सांसद बनाया था, वो एक अलग दिशा में चल पड़े जो भाजपा के लिए मुफीद नहीं थी। उसके बाद में आपने उनका टिकट काट करके दूसरे एक सैनी नायब सैनी को दिया। नायब सैनी बिल्कुल नए से थे इस दृष्टिकोण से, एक यदि कहेंगे कि कुरुक्षेत्र के हिसाब से वो छोटे कद के लग रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उस उपलब्धि में कहा जाता है आपका एक बड़ा योगदान था, तो किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया? शुक्ल जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से, जो आपके साथ जुड़े हुए सभी दर्शक हैं देश के और प्रदेश के, उनका भी मैं अपनी नमस्कार देता हूं। रही बात राजकुमार सैनी जी की बागी होने की और नायब सैनी जी के जीतने की, कृष्ण बेदी कार्यकर्ता है जी, और कार्यकर्ता के नाते मुझे लोकसभा कुरुक्षेत्र में जी मेरे संगठन की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, मेरे मुख्यमंत्री जी की ओर से एक जिम्मेवारी तय की गई, प्रयास किया और प्रयास में मोदी जी की लहर, मोदी जी के काम, मनोहर जी की भ्रष्टाचार मुक्त नीति, योग्यता के आधार पर रोजगार, हरियाणा के लिए जिस प्रकार का बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य की उनकी शुरुआत की, उसका रिजल्ट था केवल नायब सैनी जी नहीं, हरियाणा प्रदेश के 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब हुए। यदि कहीं उसमें आप कृष्ण बेदी का कोई महत्व समझते हो वो अलग बात नहीं, तो कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती थी और कार्यकर्ता के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराल जी, अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात को मैं जनता के बीच में लेकर गया और जनता ने उस पर मोहर लगाने। कृष्ण बेदी खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, हरियाणा सरकार उन्हें मंत्री बनाती है, तमाम जिम्मेदारी देती, वह जिम्मेदारी देती है जो एक सामाजिक सहकार की है, जो एक समाज कल्याण की है। उस समाज कल्याण की अवधारणा पर जिस पर हमारा संविधान डिपेंड करता है, हमारा संविधान जो है एक समाज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को करता है, उस अवधारणा को पूर्ण करने का जिम्मा आपके ऊपर है। क्या आपने हरियाणा में वह जिम्मा जो संविधान ने प्रदान किया है उसको पूरा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कार्यकर्ता हूं, जनता जनार्दन का मतदाता, भाइयों का, सभी का आशीर्वाद मिला, हरियाणा के विधानसभा में विधायक हो गया, माने मुख्यमंत्री जी की टीम में स्थान हो गया और जो जिम्मेवारी माने मुख्यमंत्री जी ने जिस काम की मुझे सौंपी थी, पिछले 5 साल में प्रयास किया लगातार समाज के उस वंचित वर्ग तक जिसको आवश्यकता थी समाज के सहयोग की, जिसे आवश्यकता थी सरकार के सहयोग की, जिन वंचित वर्ग के लोगों को, बेसहारा लोगों को सहारे की जरूरत थी, वो हरियाणा सरकार की वेलफेयर की योजनाओं के माध्यम से हम उनको देने का काम किया जी। एक विषय था, मैं आप छोटा सा आपका विषय ध्यान में लाना चाहता हूँ, हमारा विभाग बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान पेंशन जी। मेरी विधवा बहनों के लिए पेंशन, मेरे दिव्यांग साथियों के लिए पेंशन, किन्नर और बोना कई कैटेगरी हमारे, उन लोगों के वेलफेयर के लिए हमारी पेंशन योजना थी। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, उनके एक संज्ञान में विषय आया कि कुछ इस पेंशन विभाग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये मैनुअल सिस्टम था और पेंशन का बंटवारा जो होता था सरपंचों, पार्षदों और इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता था, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार की बू आती थी। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले दिन मीटिंग करके बैठाया और कहा कि मैं इसको ऑनलाइन सिस्टम पे ले जाना चाहता हूँ ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके जी। तो मित्रों, जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर पहले ही सेशन में ये बात रखी, तो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सदन में मौजूद थे, विधायक थे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलता काम जी, आप ऑनलाइन मैंने करके देख लिया, ये नहीं सिरे चढ़ेगी बात, आप हरियाणा की जनता को गुमराह मत करने काम कीजिए मुख्यमंत्री जी से। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जो दृढ़ निश्चय किया था, जो सोच पैदा की थी, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। 13 महीने लगातार जी
हमने अधिकारियों ने और हमने माने मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना जिसमें हम पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में ज्यादा है जी, जबकि हरियाणा का आकार छोटा है, पॉपुलेशन कम है, परंतु पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा। और पेंशन का जो अमाउंट है 2000 रुपए पर हेड पर मंथ, वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य तो 500-700 रुपए अटके हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली देता है, दिल्ली के जो लेने वाले हैं लोग वो बहुत कम है, उनका भी शायद 1500 या कुछ ऐसा है जी। तो उसको ऑनलाइन उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 6,500 गांव के अंदर हमने बैंकिंग सिस्टम से, पोस्ट ऑफिस की वजह सिस्टम से हमने पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जी। परंतु उसमें अंतर क्या था, पिछली सरकारों ने प्रयास किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था कि ये सिरे नहीं चढ़ेगी बात, प्रयास 3 साल किया परंतु उनकी नीयत में खोट था जी। और मुख्यमंत्री जी ने नेक नीति से काम किया तो हम 13 महीने में उसको करने में सफल हुए। आप सफल हुए, आप कहते हैं उनकी नियत में नियत में खोट था, आप कहिएगा अपनी बात, नियत में खोट था आपने बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि लेकिन अभी हाल के दिनों में एक जांच रिपोर्ट में आपके एक ऑफिसर पर आरोप आए कि उन्होंने पिछली गड़बड़ियों में उनका हिस्सेदारी थी और उसके बावजूद उन्हें लगा दिया गया और जो जिसने पूरा खुलासा करने में मदद करी उसे हटा दिया गया। मैं अभी इस विषय पे आऊंगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो खोट जी उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जिस प्रकार की सोच और कंसंट्रेशन चाहिए वो पिछली सरकार की नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने जिस विषय को लिया उस पर कंसंट्रेट किया और कंसंट्रेट करने का रिजल्ट ये हुआ कि हम ऑनलाइन और बैंकिंग सिस्टम से, मैनुअल सिस्टम से हमने छुटकारा पा लिया। ठीक है। और जब मैनुअल सिस्टम छुटकारा पाया, जिस प्रकार के को भ्रष्टाचार की बू आती थी उसमें करोड़ों रुपए हमने बचाया जी। लगभग 1,32,000 लोग फेक पेंशन ले रहे थे, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी या डबल जगह वो पेंशन ले रहे थे। वो जब अमाउंट बचा तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने एक विषय लेके आए, हमने कहा मुख्यमंत्री जी दिव्यांग साथी जो 70% दिव्यांग होते हैं हरियाणा में, हम उनको पेंशन का लाभ देते हैं जी। यदि हम इसमें से 10% घटा दें, जो 60% लोग हैं दिव्यांग जिनकी प्रतिशतता 60% है, तो ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा बचा था जी भ्रष्टाचार से, उस पैसे का उनके लिए उपयोग किया, जो 10% लगभग 32,000 नए लोग, मतलब भ्रष्टाचार का जो पैसा बचा उसे जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 10% उसकी वो घटाई है। तो इस प्रकार से मैं एक बात कह रहा था ना, अभी आपने क्या न्याय की, सामाजिक न्याय की बात है, लोगों के सहयोग की बात है, तो हम उसमें कामयाब हो सके ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारा सारा का सारा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे हमारा स्कॉलरशिप का है, चाहे पेंशन का है, चाहे हमारा अन्य वजीफे और भत्तों का है जी। 1 रुपए का भी लेन देन हमारा बैंकिंग सिस्टम के बिना नहीं है, मैनुअल नहीं, हमने डिपार्टमेंट में रखा, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम हमने करने में कामयाब रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की दृढ़ निश्चितता और पूरी टीम की दृढ़ निश्चितता का मामला है। नहीं, आपने ये बात कही, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो प्रयास हुए हैं आपके विभाग में हुए, लेकिन वही सवाल आ जाता है कि जो अभी हाल के दिनों में आप ही के विभाग ने, आप ही ने जांच करवाई, चीजें आई कि तमाम सारी पेंशन में और गड़बड़ जो कर रहे थे, जो लोग ऑफिसर्स कर रहे थे, वही ऑफिसर्स फिर आ जाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने किसी प्रकार इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, कोई बात अपने कहने के लिए कोई बात कहे वो बात नहीं होती, कहीं भ्रष्टाचार की बू आई जी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय आया जी, मुख्यमंत्री जी ने FIR लॉन्च करने के लिए कहा, मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा स्टेट विजिलेंस कमेटी को जी जांच के लिए कहा जी, आप अधिकारी हैं जी, तो मुख्यमंत्री जी तो FIR लिखाने नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल, वो डिपार्टमेंट जाएगा ना, बिल्कुल, और डिपार्टमेंट में भी जिसकी जिम्मेवारी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जी, उसको भेजा, उसकी जगह आप होगे तो आप जाओगे, मैं आऊंगा तो मैं जाऊं, कोई और होगा तो कोई और जाएगा जी। यदि इसमें कोई ये कहे कि मैंने भ्रष्टाचार का बंडा फोड़ किया, ये गलत है जी। सुनो जी। मैं ये बात कर रहा हूँ, और रही बात दूसरी तबादले की, तबादले मान्य प्रक्रिया है, हिसार में राहगीरी का रंगारंगा, जिन लोगों कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये डिपार्टमेंट सामान्य डिपार्टमेंट है, तो हमें और बड़े डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, और बड़ी जगह जाना चाहते हैं, अपने सिस्टम से चले जाते हैं, और सामान्य प्रक्रिया में यदि कोई बदलाव होता है तो थोड़ा से 14-15 बदले, इसको किसी उससे बात को जोड़ के देखा जाता। वो जब कोई सामान्य सी बात जब आई थी, वो किसी ने भंडा फोड़ करने वाली बात नहीं थी, वो तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर गया, वहां ट्रेस हुआ, बैंक ने डिपार्टमेंट को बता दिया भाई आपके यहां से कोई ऐसा मामला आ रहा है, तो वो करना
किसी ने एक ने कोई भ्रष्टाचार का घोटाले का आउट किया, ये ऐसा कोई विषय है ही नहीं। और रही बात आज के दिन मैं ये स्थिति में नहीं हूं, जब जांच मुख्यमंत्री जी ने स्टेट विजिलेंस कमेटी को दे दी है उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया देने की, हाँ बिल्कुल सही है, वो जब जांच होगी तब देखेंगे। बीती साहब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक वायदा था कि हम निचले तबके तक जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक हम पहुंचेंगे, उसके लिए समाज कल्याण विभाग की एक जिम्मेदारी है। आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इस चीज को लेकर के बड़ा संजीदा अंदाज में इसको फोकस किया, आप पर यह भार है कि उसे पूरा करें, लेकिन इसके बावजूद तमाम बार तमाम लोगों की शिकायतें आती हैं कि उस ढंग से उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जो, और तमाम सारी नई योजनाएं लाने का है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि तमाम सामाजिक सुरक्षा योजना और उसको करना है, तो उस दिशा में कुछ कर रहे हैं? देखिए जो चीजें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भी एक ही है कि हम मैनुअल से डिजिटल की तरफ जाएं जी। और जो 50-60 साल की जो परंपरा है, जिस प्रकार का रूटीन का सरकार का काम था और जनता जनार्दन का स्वभाव था जी, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है जी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिजिटाइल करने के अंदर डिपार्टमेंट को भी समस्या आ रही है और जो लोग जिनका लाभार्थी हैं उनको भी वो चीज कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है जी। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम हमारा वंचित वर्ग के लोग, हम जिनको हमने समाज कल्याण की सुविधाओं का लाभ देना है जी। उनकी जैसे बुढ़ापा पेंशन है 60 साल से ऊपर का जी, या जितनी और स्कीमें हैं, किसी मकान की स्कीम है, किसी के और हॉस्टल्स की स्कीम है, किसी और प्रकार के समाज कल्याण के अंदर उन लोगों को अपलिफ्टिंग की बात है, उनके रोजगार के लिए लोन की स्कीम है, छोटे छोटे लोन उन लोगों को देने की बात है, तो वो जो डिजिटल सिस्टम के अंदर आने में कहीं ना कहीं हमारा समाज के अंदर अभी उस प्रकार की जागृति लाने की जरूरत है। एक तो समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है, दूसरी समस्या ये आ रही है, उसका आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 15-20 साल में जो सरकारें रही उन्होंने जिस प्रकार से नौकरियों के अंदर भर्ती ना करके, परमानेंट कर्मचारी भर्ती ना करके ठेकेदारी प्रथा से डीसी रेट पर और कॉन्ट्रेक्चुअल रेट पर अपने लोगों को लाभ देने के लिए हरियाणा के कर्मचारियों का भर्ती नहीं की, आज स्थिति क्या पैदा हो गई है, लैक शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट में। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कानून व्यवस्था, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मनोहर जी की सरकार के अंदर इतनी बड़ी हम पुलिस भर्ती करते हैं, कांस्टेबल की भी करते हैं, हम सब इंस्पेक्टर की भी करते हैं जी, और रैंक के लोगों की भी करते हैं, यदि वो लोग भर्ती करते जी। आज वो ट्रेंड लोग यदि आज भर्ती हुआ करते, थानों के अंदर संख्या पूरी होती, महिला थाने हम खोल रहे हैं, तो क्या कानून व्यवस्था, तो जिन लोगों की जिम्मेवारी वही संभालेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ जी, तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी उसी प्रकार से कर्मचारियों की शॉर्टेज है काफी समय से, उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनको हम स्ट्रीमलाइन ले करा रहे हैं, कहीं आपके सामने ये बात आती है कि उन सुविधाओं का लाभ कम मिल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सी चीजें हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जहां तक सीएससी सेंटर है, अटल सेवा केंद्र है या और मध्यान्तोदय केंद्र हमने खोले हैं, उन लोगों के घर तक उन चीजों को लेकर जाने का जो प्रयास है, डिजिटलाइज करने का जो प्रयास है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कत रही या परेशानी रही वो हो सकता है, परंतु सरकार की मंशा यही है जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जो अंत्योदय का जिसके जरूरत है, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसकी अपलिफ्टमेंट, दीनदयाल उपाध्याय जी का ये मंत्र है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलोसफी को लेकर चल रहे हैं और पूरे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी उसकी पूरी टीम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने में लगी हुई है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने में लगी हुई है मनोहर सरकार, यह आपका कहना है, लेकिन एक समस्या रही है बड़े लंबे समय तक रही है, पता नहीं कैसा है, कि हरियाणा में जो समाज कल्याण विभाग है वहां पर चाहे पेंशन लगवाना हो, चाहे दूसरी स्कीम्स में लोन लेना हो, या दूसरे सारी चीजें जो भी समाज कल्याण के लिए योजनाएं भारत सरकार की रही हो या स्टेट गवर्नमेंट की रही हो, उन सब में एक चीज चलती थी, वो चलता था एक कमीशन,
क्या अब भी वैसे ही कमीशन आप लोगों के यहाँ लिया जाता है? फिर वही बात कर रहा ना, जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था हम उस स्ट्रीम पर नहीं चले थे, वो अलग मामला था, वो मैनुअल सिस्टम था। जब से हमारी सरकार बनी है हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया है। एक पैसे का भी अब 2000 रुपए किसी का बुढ़ापा पेंशन का मिलता है तो 2000 में से कोई उसमें से उसके खाते में आना है, कोई 10 पैसे हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये हमने जो काम सोच के चले थे उसको करने में हम कामयाब हुए। इसी प्रकार से समाज कल्याण के माध्यम से जो हमारे ऐसी मतलब वो कमीशन बंद कर दिया, ऐसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, हमारा बैकवर्ड क्लासेस का फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उसके अंदर जो लोन था छोटे से अमाउंट के लोन के लिए भी दो सरकारी कर्मचारी गारंटर होते थे, हमने 1.5 लाख का लोन, 1.5 लाख तक का लोन शेड्यूल कास्ट का और 3 लाख तक अमाउंट का लोन बैकवर्ड क्लासेस का हमने बिना गारंटी के देने की शुरुआत। वाह, ये आम आदमी के रोजगार में जो सहयोगी हो सके। अब 1 लाख के लोन के लिए उस गरीब आदमी के लिए कोई एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी क्यों गारंटी देगा? बिल्कुल। तो हमने उसको उस जजावत से उन लोगों को निकालने का काम किया। और मैं आज जिस प्रकार से अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान नवीनीकरण की योजना, हम सारा का सारा सिस्टम, पेंशन का सारा काम भी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और CSC केंद्रों पर, अटल सेवा केंद्रों पर वहीं से फॉर्म भर के उन लोगों को ऑनलाइन सिस्टम उनको बताते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं तो आपको पेंशन इतने दिन से लग, अब कंफर्म करते हैं। अपनी बेटी अपना शादी में धन की बात थी, मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना, हमने तय कर दिया बेटी की शादी से एक महीना पहले, मिनिमम एक महीना पहले उसकी बेटी की शादी का उस गरीब के घर तक पहुंचाने का हमारा अधिकारी काम करेगा। पहले तीन तीन साल हो जाते शादी को, गरीब की बेटी को पैसा नहीं मिलता था, दफ्तरों के चक्कर काटते थे। आज हमने प्रयास किया और मिनिमम 7 दिन से ज्यादा, 7 दिन से पहले तो हर हालत में गरीब की बेटी का सुगम घर पहुंचेगा, ये हमने तय कर दिया। और ये पिछले आपने ये एक अच्छा सा तय कर दिया, आपने सारी बात बताई, युवा देश है, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, आप युवा मंत्री हैं। इसके बाद में जो एक भारत सरकार की और राज्य सरकार की एक योजना होती थी कि जो पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उन सब की तैयारी के लिए एक इमदाद करने, उनके लिए एक व्यवस्था करने, उनके लिए हॉस्टल्स और दूसरी तैयारियों के लिए सिविल सर्विसेज और उसके लिए व्यवस्था करने का था, क्या उसको आप कर रहे हैं या उनको कुछ दे रहे हैं? देखिए, हमारी एक स्कीम चलती है, पहले हमारे अपने कोचिंग सेंटर सरकार के चलते थे जी, परंतु जिस प्रकार से समय बदला जी, वैसे तो पिछली सरकार में उसकी शुरुआत हो गई थी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारा का सारा बिड्स के माध्यम से, हमने निविदा के माध्यम से लोगों को अप्लाई इनवाइट करते हैं कि हम IAS की, HCS की, NEET की, IIT की, JEE की, STAT की, स्टैट की, उसके साथ साथ क्लैरिकल की, पुलिस की, जितने पटवारी की या हमारी जितने भी भर्ती होती हैं सरकार की भर्तियां होती हैं या केंद्र सरकार की, SSC की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, ये सभी भर्तियों के लिए हमने टाइम पीरियड तय किया है जी। बच्चों को हमने अच्छे जो कोचिंग सेंटर है उनको हम इनवाइट करते हैं, उनके रेट तय करते हैं, रेट तय करने सारा सारा सिस्टम ऑनलाइन डिजिटल है और बच्चों को हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन रखे हैं। किसी के घर में बीमार है या कोई हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की स्थिति में नहीं है वो, परंतु उसका एग्जाम उसने भर रखे हैं तो वो घर पे भी अब हमने ऑनलाइन सिस्टम से भी कोचिंग देने की शुरुआत कर दी है। हमने कोचिंग सेंटर्स को हायर किया है और हायर करने के माध्यम से जो उनके नियर अबाउट है, जो क्वालिटी के एजुकेशन कोचिंग सेंटर है उनको हम लेते हैं और उसमें उन लोगों को फैसिलिटी हम एज इट इज दे रहे हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, पहले पुलिस की भर्ती के लिए कोई कोचिंग की प्रावधान नहीं था, हमने पिछली बार पुलिस भर्ती के लिए भी कोचिंग देने का प्रावधान की शुरुआत की जी। और एक नई युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए कृष्ण बेदी जी ने अपने मंत्रालय के माध्यम से एक शुरुआत की है, कहीं जाइएगा मत, आपके और सवालों के जवाब देंगे बेदी सर। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन।